आप शुरू हो जाएं जिना से, उनके साथ क्या उनके साथ हमने क्या किया, एम्बुलेंस उनको खराब दी गई, उनका मर्डर हुआ है, मेरे हिसाब से तो उनका मर्डर हुआ, लियाकत अली खान साहब मर्डर हुआ, वो तो क्लियर है ना। आगे चले, अपना जो उनकी बहन थी फातिमा भुट्टो, क्या नाम था उनका, फातिमा जिना, फातिमा जिना, फातिमा जिना के ऊपर तशद्दुद के निशान आते उसकी बड़ी यार, उनके ऊपर इल्जाम क्या था, देखिए इल्जाम क्या था, गद्दारी का इल्जाम यार, इंडिया के साथ गद्दारी, इंडिया से यार। और मैं समझता हूँ कि उस टाइम मारने वाली कौम, उसको भी सुभान अल्लाह, ठीक है, इधर इधर आ जाएं थोड़ा सा, वो ट्रैफिक की वजह से, ठीक है, वो सुभान अल्लाह। और फिर देखें उसके बाद वो चली गई, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो एक लीडर आया, ठीक है, 100 इख्तलाफात हो सकते हैं आपके उसके साथ हमने क्या किया, जुडिशियल मर्डर किया उसका, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद अब ये नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ की उन्होंने पॉपुलैरिटी देखी, उसकी हुकूमत गिरा दी। मैं ये नहीं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, नहीं, वो कह रहे कि भाई ये अच्छा लीडर था बुरा लीडर था, वो ये कह रहे हैं जो भी लीडर ऊपर आया, डेमोक्रेटिकल लीडर जो भी ऊपर आया, डेमोक्रेटिक रिवायत को चलना चाहिए, हर बंदा 5 साल पूरे करे, पार्लियामेंट अपनी मिद्दत पूरी करे, तभी डेमो, अब देखिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं ना, लोग ट्रस्ट नहीं करे यहाँ पे, तो कोई पता नहीं। जनरल जाओलक देख लें, उसने जी 3 आके टीवी पे बैठा जी, हमने भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म कर दी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा रहे, उसके 90 दिन 11 साल बाद जाके पूरे 90 दिन 11, लेकिन जाओलक साहब की बात करें, वो भी तो उनके जिस तरीके से उनकी डेथ हुई या जो भी उनके साथ हुआ, देखें ये जो इस मुल्क की एजेंसियां या जो फौज या जो भी इसके थिंक टैंक्स है ना, वो यूज करते हैं, वो ऐसे रखते हैं लोगों को, जब कोई उनके ऊपर भौंकना शुरू करता है या उनके ऊपर थोड़ा सा चढ़ना शुरू करता है तो फिर वो उसको फारिग कर देते हैं, ठीक है।